नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के उपवर्गीकरण के संबंध में दिए गए फैसले के विरोध में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन संगठन ने मंगलवार को अंबेडकर पार्क में अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रपति को संबोधित अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। बता दें, संगठन के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार गौतम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह असंवैधानिक है, जिसका उनका संगठन विरोध कर रहा है। यहाँ पर कई संगठन के लोगों व समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुटे हुए थे और सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे। इस निर्णय को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। उन्होंने कहा कि या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डाइल्यूट किया जाए, उसको वापस लिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 7 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया, उसी प्रकार इस फैसले के रिव्यू के लिए 9 सदस्यीय खंडपीठ का गठन किया जाए, इस फैसले को वापस लेने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जब तक यह फैसला डाइल्यूट नहीं होगा या वापस नहीं होगा, तब तक उनका संगठन संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराता रहेगा और यह आंदोलन आगे भी चलता रहेगा जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसको हम एबाजिका कहते हैं, उसका जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज आप लोग बैठक कीजिए, फिर ज्ञापन दिए, क्या है पूरा मामला? बैठक और ज्ञापन इस संदर्भ में था कि अभी 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें कुछ असंवैधानिक संशोधन कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उस असंवैधानिक संशोधन के विरोध में हम सभी लोग ये बैठक और ज्ञापन दे रहे हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको डाइल्यूट किया जा सके संविधान संशोधन के माध्यम से। अगर आपकी मांगे ना पूरी हो। देखिए, हम सभी लोग जो है, यहाँ जितने लोग विभिन्न संगठनों से लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, ये सभी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करते हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखते हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब भी हम संवैधानिक तरीके से आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गैर संवैधानिक आंदोलनों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम लोग संवैधानिक तरीके से, जब तक इस निर्णय को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता जाता है या वापस नहीं लिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्णय दिया है, तो अगली पीठ जो है 9 सदस्यीय संविधान पीठ होती है, तो एक पीठ नई बनाई जाए और इसको रिव्यू किया जाए। जब तक रिव्यू नहीं किया जाता है तब तक हम लोग आंदोलन ऐसे ही शांतिपूर्वक ढंग से करते रहेंगे।